मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरे हाथ लेने वाले टुन्ना जी पांडे पर गाज गिर गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बताते चले कि टुन्ना जी पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टुन्ना पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अगर जांच बैठाई जाए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने इसकी कड़ी निंदा की थी। कड़े शब्दों में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से कई सवाल पूछे थे। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा था कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अगर बात की जाए तो जैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया और टुन्ना पांडे से जवाब मांगा। बात अगर की जाए तो शो कॉज नोटिस मिलने के बाद भी टुन्ना जी पांडे ने जवाब नहीं दिया और अपने बयान पर अडिग रहने की बात कह दी। जैसे ही अनुशासन समिति ने यह शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद संजय जायसवाल ने आज टुन्ना जी पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया। बताते चले कि अपने आदेश पत्र में संजय जायसवाल ने कहा है कि टुन्ना जी पांडे को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ये बयान देकर कि वो अपने बयान पर अडिग हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि वो पार्टी के जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ हैं। पार्टी जिन सिद्धांतों से चलती है, टुन्ना जी पांडे अपने आप को उस सिद्धांत से ऊपर मानते हैं। अब जब टुन्ना जी पांडे को अविलंब निलंबित किया गया है तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ओहदा एनडीए में कितना बड़ा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में जब जनता दल यूनाइटेड के नेता उतरे, उसके बाद आनन फानन में बड़ा डिसीजन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टुन्ना जी पांडे को निलंबित कर दिया। बात अगर की जाए तो टुन्ना जी पांडे के बयान के बाद से ही जो एनडीए गठबंधन के दल हैं वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आए थे, और अब जो बड़ी गाज गिरी वो टुन्ना जी पांडे के ऊपर था, क्योंकि शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद उन्हें 10 दिन का समय दिया गया था कारण बताने के लिए, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हुए, उसके बाद जवाब दिए बगैर ही संजय जायसवाल ने टुन्ना जी पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।